देश में आर्थिक मंदी के विरोध में कांग्रेस ने भोपाल के मानस भवन में राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया। आयोजन में सीएम कमलनाथ, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया सहित सभी कांग्रेस नेता और मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम कमलनाथ ने मध्य प्रदेश सरकार के 6 महीने के कार्यकाल की चुनौतियों और उपलब्धियों को जनता से साझा किया। सीएम कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को काम करने के लिए 6.5 महीने मिले हैं। इस दौरान सरकार को कई बड़ी चुनौती मिली। सरकार का खजाना खाली था, अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट आ रही थी और बदहाल कृषि सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी, लेकिन बावजूद इन चुनौतियों का सामना करते हुए सरकार ने कई बड़े काम किए हैं। देखिए, आज ये बात बिल्कुल सही है कि देश को किस दिशा में ले जाना है, इस पे हम आप सबको चिंतन करना चाहिए। बात ये नहीं है कि मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, लोकतंत्र है, जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचना है, परंतु जो निर्णय होते हैं उनकी समीक्षा हमारी अपनी कर्तव्य होती है। अर्थव्यवस्था की आप चिंतन कर लें, या शैक्षणिक व्यवस्था की चिंतन कर लें, पेयजल व्यवस्था की चिंतन कर लें, स्वास्थ्य व्यवस्था की, आप स्वास्थ्य व्यवस्था में जाओ, 5 लाख रुपए तक की जो राशि इलाज के लिए जो केंद्र सरकार ने अनाउंस किया है, मुझे बड़ी शंका है कि ये निजीकरण को बढ़ावा देने के एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य में भी कार्यक्रम केंद्र सरकार ने। हमारा कहना है कि सबसे पहले आप जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, अब राज्यों को अतिरिक्त बजट दें, स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए देश के प्रत्येक राज्यों को अतिरिक्त आप पैकेज दें कि प्रत्येक जिला चिकित्सालय, विकासखंड स्तर का चिकित्सालय, आपको हम बता दें हमारे देश के अंदर प्रत्येक गांव स्तर में ANM पदस्थ हैं, MPW पदस्थ हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र है। तो जब ये सारी गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो हमको ये चेक करना चाहिए कि कितने जगह स्वास्थ्य भवन हैं, कितने जगह पहुंच मार्ग अप्रोच रोड स्वास्थ्य भवन तक है, कितने मेडिसिन अच्छा मिल रहा है। मैं समझता हूं अगर स्वास्थ्य की जो सरकारी महकमे हैं उसको अपडेट कर देंगे तो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो सकता है। पर 5 लाख की इलाज, आप लोग सोच सकते हैं कि किसी प्राइवेट मेडिकल में कोई मरीज एडमिट हो गया, कितना बिल बन रहा है, कौन जिम्मेदारी है उसका। तो ये एक बहुत बड़ा ये प्राइवेट निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा कहना, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं में जो हमारी संस्थाएँ हैं, स्वास्थ्य की संस्था हैं, पेयजल व्यवस्थाएं की संस्थाएं हैं, उनको मजबूत करना सरकार की जिम्मेदारी में होती है, सब मेरा मानना है। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र मालिक के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।